हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। ये एक बहुत ही क्विक सा वीडियो है, एक अपडेट कि आपके पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या वो इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, यही देखने की हम कोशिश करेंगे। तो फोकस अपने पर्सन पे रखिए, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो उन्हीं पे फोकस रखना है आपको, उनके बारे में सोचना है, लेकिन प्यार से सोचना है, गुस्से से नहीं सोचना है आपको उनके बारे में। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके केयर को मिस कर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और बेसिकली इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने मैसेज लिख के मिठाया हो, या तो आपसे मिलने आना चाहते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप दोनों तो। बट मुझे लगता है बहुत ही जल्द इनकी तरफ से कोई बहुत ही इमोशनल सा और पैशनेट सा मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, और मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि आप दोनों पहले जैसे हो जाए, आप दोनों के बीच की दूरियां मिट जाए। ये एरीज लियो सैगिटेरियस एनर्जी था, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के बीच की सारी जो दूरियां है वो मिट जाए और आप दोनों रिकनसाइल कर लो, रीयूनाइट हो जाओ, एक दूसरे के पास वापस आ जाओ। तो वो पर्सन बस ये दूरियां मिटाना चाहते हैं आप दोनों के बीच की। डेफिनेटली यही पर्सन मुझे लगता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट तो है ही वो आपको लेकर, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और आगे आकर बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। यस, आई थिंक दे हैव डिसाइडेड, इनका डिसीजन हो चुका है, आपके तरफ यू नो बढ़ रहे हैं और बात करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं आपको। उनका पूरा जो फोकस है वो आपके तरफ ही है। सो कुछ ओरेकल मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो देखिए, ये पर्सन तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन डिसीजंस बाकी के आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, कंट्रोल यूनिवर्स ने आपके हाथ में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, क्या आप चाहते हो ये पर्सन आपसे बात करे, तो डिसीजंस आपके हाथ में। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ ग्रेटेस्ट हीलर। तो प्यार ग्रेटेस्ट हीलर है, चाहे दर्द कैसा भी हो। तो थोड़े से लाइट एनर्जी में आना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा मे बी आप गिले शिकवे लेके बैठे हो। एंड है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में, गहराई में दिल की, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना चाहिए, या सारे सवाल के जवाब आपके अंदर है, स्पेशली आपके दिल में है, तो आपको जो लगता है सही है वही करिए। ओके, सो ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए मैसेजेस थे। कैसी लगी आपको ये क्विक सी रीडिंग, और कमेंट्स में ज़रूर बताना रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, और लाइक ज़रूर चिपका के जाइएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।